सबसे पहले मैं मेकअप प्राइमर लगा रही हूँ अनुराग मेकअप 15 का, जिसमें न्यूट्रलाइजर और कलर करेक्टर भी मिक्स किया हुआ है। इनके कलर में ब्राइटनेस लाने के लिए और आंखों के नीचे के काले दागों को छिपाने के लिए मैं अब कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, वो है क्रायलॉन का 303। इसे हमें बहुत कम मात्रा में लेना है और उंगलियों के पोर से ही लगाना है। स्किन के ड्राइनेस को कम करने के लिए मैं मेकअप ऑयल यूज़ कर रही हूँ और पूरे फेस में मेकअप ऑयल को स्प्रेड करते हुए लगा रही हूँ। मेकअप स्टूडियो के ऑलिव शेड के फाउंडेशन को अब मैं ब्रश की मदद से पूरे फेस पे लगा रही हूँ और वेट ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत हल्के हल्के प्रेशर के साथ उसे स्किन में ब्लेंड कर रही हूँ। अब मेकअप स्टूडियो के 2 नंबर के लूज पाउडर से मैं मेकअप को सेट कर रही हूँ। अब शुगर के ब्लशर को मैं लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने दूल्हे राजा से थोड़ा मुस्कुराने के लिए कहा। अब जो हम के चिक्स उभर के आएंगे वहाँ हमें ब्लशर लगाना होता है और कान की तरह ब्रश को खींचना होता है। शाइनिंग के लिए जो हम हाइलाइटर लगाते हैं उसके लिए मैं आपको हैक बताती हूँ, जिसे हमें ब्रश पे मेकअप फिक्सर थोड़ा डालना है, उसके बाद उस ब्रश से अपन अगर हाइलाइटर लेकर लगाते हैं तो शाइनिंग बहुत ज़्यादा और बहुत नेचुरल आती है। तो मैं वही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। नोज़ को थोड़ा पतला दिखाने के लिए मैं मैक का कॉन्टोर कलर यूज़ कर रही हूँ, जिसे नाक के दोनों साइड में लगाऊंगी और नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगी। ये लिप कंडीशनर मैं लगा रही हूँ ताकि लिप्स हाइड्रेट हो जाए और फटे हुए ना दिखे। अब उंगलियों की मदद से मैं लिपस्टिक से डैप कर रही हूँ, लिपस्टिक लगाना नहीं है हमें, इससे नेचुरल लुक आएगा। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं मैक का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, जिसे हमें दूर से स्प्रे करना होता है, पास से नहीं। पास से करेंगे तो मेकअप में पैचेस आ जाएंगे। पलकों को सुंदर दिखाने के लिए हम मस्कारा यूज़ करते हैं, जिसे हमें ब्रश को स्लांट रखना होता है और अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रोक लेते हुए लगाना होता है। गाइस, मेरे चैनल में और भी बहुत सारे मेकअप के वीडियोस हैं, हेयर स्टाइल के वीडियोस हैं, फेशियल वगैरह के वीडियोस भी हैं। आप ज़रूर एक बार चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं आईब्रो किट से आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ। इससे मेकअप करने के बाद, क्योंकि आईब्रोज़ का कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, तो एक बार इसका टच करना ज़रूरी होता है। ये है दूल्हे राजा का फाइनल लुक। सांवली सलूनी सूरत, लेकिन बड़े ही मनमोहक लग रहे हैं वो, बहुत ही हैंडसम।